एक फेसबुक पोस्ट में अरुण जेटली ने विस्तार से आतंकवाद, राष्ट्रीय सुरक्षा, जम्मू कश्मीर पर एक फेसबुक पोस्ट के जरिए ये बताया है कि कैसे विपक्ष चुनाव प्रचार में पुलवामा का जिक्र सुनकर घबरा जाता है। अरुण जेटली ने इस फेसबुक पोस्ट में क्या लिखा है, अब ये भी आपको बताते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर चुनाव क्यों ना लड़ा जाए, ये सवाल उठाया अरुण जेटली ने। इसके अलावा उन्होंने लिखा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा और आतंकवाद सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। आगे जेटली ने लिखा है कि पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस की भूमिका निराशाजनक है। जिस तरीके से लगातार पीडीपी और एनसी बयानबाजी करते रहते हैं उसको लेकर उन्होंने निराशा जताई। जेटली ने कहा कि विपक्षी पार्टियों के पास कोई रोडमैप नहीं है। अरुण जेटली ने ये फेसबुक पोस्ट के जरिए कहा और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि चुनाव प्रचार में पुलवामा के जिक्र भर से विपक्ष बैकफुट पर आ जाता है। जेटली ने यह भी कहा है कि कश्मीर में अतीत की ऐतिहासिक भूलों को सुधारने की जरूरत है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि मजबूत सरकार और स्पष्ट सोच वाला नेता कश्मीर मुद्दे को सुलझाने में सक्षम है।